दोस्तों अभी हम लोग पहुंच रहे हैं भाई सबसे खतरनाक पॉइंट पे इस ट्रिप का। ये सबसे खतरनाक पॉइंट है मलिंग नाला। तो दोस्तों हम लोग हैं अभी सुमदो में और एक चीज दिखाता हूं भाई आप लोगों को। ये देखो ये मैप में मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ये है हम लोग यहां पर और भाई ये है चाइना। तो हम लोग चाइना बॉर्डर के बिल्कुल पैरल चल रहे हैं अभी पड़े हुए हैं। तो ये पत्थर हटाने पड़ेंगे पहले। सामने आप लोगों को वो दिख रहा है वो है ताबो विलेज। अब ये पत्थर भी साइड में करने पड़ेंगे भाई। ये देखो अपनी हैरियर और भाई ये देखो क्या नजारा है शानदार। और हवा भाई इतनी तेज चल रही है ना, इतनी तेज हवा चल रही है ना। दोस्तों ये नाको विलेज है ना, अराउंड 11,500 फीट की हाइट पे है भाई। तो ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम है तो हम लोग नीचे उतर के गए थे। तो उतरते वक्त तो इजी था, सांस फूल गई भाई एकदम से। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की तो थोड़ी कमी है। तो आप लोगों को अगर थोड़ी प्रॉब्लम है तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि बिल्कुल प्रिपरेशन के साथ आओ, क्योंकि ये है ना एक्सट्रीम जगह है। 10,000 फीट से ऊपर ही ऊपर है सारा सिस्टम। ये देखो दोस्तों हम लोग दिल्ली में भी सिलेरी वगैरह खरीदते हैं और ये पानी भाई सीधा ऊपर से आ रहा है। और भाई मैंने अभी पिया है, इतना मीठा पानी है ना और इतने प्रेशर से आ रहा है बिल्कुल। ये देखो शीशे की तरह क्लियर, यही नीचे फिर लेक में चला जाता है। दोस्तों हम लोग भाई अभी निकल रहे हैं नापो से। बाकी यहाँ पे बहुत सारे होम स्टे वगैरह सब कुछ है, तो आप लोग अगर यहाँ स्टे करना चाहो तो यहाँ भी कर सकते हो। रात को तो टेम्परेचर बहुत माइनस में हो जाएगा लेकिन अभी भी अच्छा खासा था। बस ये था कि भाई फ्रोजन लेक नहीं मिली, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी बहुत सुंदर लग रही थी मेरे ये लेक। अब हमको ऐसा तो फ्रोजन लेक तो देखने ऐसा तो है नहीं स्पेशली आए थे हम लोग, तो इस वाइट स्पीति का एक्सपीरियंस करने आए थे जो अभी भी हमें वाइट मिल रही है नहीं भाई। कैसा लग रहा है मेरे दोस्तों? बहुत बढ़िया आ रहा है, मजा बहुत बस मजा ही आ रहा है। अल्टीमेट दोस्त गाइस। हाय सर, कैसा लग रहा है भाई संजू? देखो संजीव पहली बार आया है विंटर स्पीति, हम लोग तो आ चुके हैं। तो जो फर्स्ट टाइम आता है उसका तो एक्सपीरियंस ही अलग होता है, वो तो एक ऐसा लगता है जैसे सपनों की दुनिया में आ गया हो। जैसा एक्सपेक्ट किया था उससे बढ़िया ही एक्सपीरियंस हो रहा है अभी तक, बहुत मजा आ रहा है। और भाई साहब आपको? मुझे मेरे तो बात ये लगा भाई सेकेंड ट्रिप हो रहा है और अल्टीमेट में अप्रैल के महीने में हमें इतना अच्छा क्लाइमेट मिल रहा है, ठंडी हवा बढ़िया। दिल्ली में तो भाई 30-32 डिग्री हो चुका है, एसी चलते हैं एसी 35-40 डिग्री के आसपास। और यहाँ रात को हीटर लगा के कंबल दो दौड़ के सोना पड़ता है। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच रहे हैं भाई सबसे खतरनाक पॉइंट पे इस ट्रिप का। ये सबसे खतरनाक पॉइंट है मलिंग नाला और पूरी ब्लैक आइस है। अभी गाड़ी भी स्किड मार रही है, आप लोगों को पता चल रहा होगा मलिंग नाला 10,400 फीट की हाइट है। और अप्रैल में देखो ये देखो फ्रोजन, बिल्कुल फ्रोजन भाई साहब, और नीचे बिल्कुल ब्लैक आइस है। अभी आप लोगों को गाड़ी की रोकता हूँ आगे यार, क्योंकि इसके नीचे रुकना ठीक नहीं है। गाड़ी रोक के दिखाता हूँ। तो भाई इसको कहते हैं विंटर स्पीति का असली मजा। तो दोस्तों ये है देखो, ये है अप्रैल फर्स्ट वीक चल रहा है और भाई अभी भी बिल्कुल ही फ्रोजन है मलिंग नाला। और ये है ना आप लोगों को अभी धूप की वजह से मेल्ट हो रखा है, बिल्कुल ही ब्लैक आइस हो जाती है रात को। तो ये सबसे खतरनाक पॉइंट है ये स्पीति ट्रिप का। यहाँ से ऐसे स्किट हो के जाती है ना गाड़ियाँ और भाई लैंड स्लाइड भी होती रहती है। पीछे आप लोगों ने देखा था लैंड स्लाइड हो रखी थी। तो ये है और यहाँ से उधर देखोगे क्या शानदार नज़ारे हैं, मस्त यार मस्त। बढ़िया लगता है मेरे को ये स्लोगन, मैं लद्दाख में भी मैंने देखा, इन लैंड ऑफ लामा डोंट बी गामा। कहने का मतलब ये है कि ज्यादा चौड़े मत हो, लिमिट में रह ले भाई ना, एक मिनट में चौड़पन निकल जाएगा यहाँ पे। और ये देखो भाई ये भाई इस बार है ना थोड़ा ज्यादा ही खतरनाक हो रखे हैं रास्ते लास्ट टाइम के मुकाबले, क्योंकि पहाड़ है ना बिल्कुल ही नीचे आए हुए बिल्कुल ही, और सिंगल ही गाड़ी का रास्ता है। लास्ट टाइम तो ये चौड़ा करके डबल गाड़ी आराम से निकल जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो एक बार आप लोग ये देखो पहाड़ों का कलर देखो, बिल्कुल ब्लैक मिट्टी है, जैसे ब्लैक मिट्टी किसी ने डाल रखी हो, कोयला पीस, हाँ जैसे कोयला पीस रखा हो बिल्कुल ऐसे। और इसके अगला थोड़ा थोड़ा ब्राउन है और उसके आगे बिल्कुल गोल्डन और भाई ऊपर व्हाइट और नीचे ब्लैक माउंटेन, मतलब की आप लोग कलर कॉम्बिनेशन देखो वेरिएशन कितनी जबरदस्त है। और इतनी नजदीक में ये देखो ये थोड़े ब्राउन कलर के, वो बिल्कुल गोल्डन मिट्टी के पहाड़ है।
तो अगर कोई नया है ना तो ये सोचे कि सारे मैन मेड है, ऐसे नेचरली कैसे हो सकता है। और वो सामने देखो, सामने बिल्कुल ब्लैक है और भाई ऊपर स्नो है बिल्कुल व्हाइट, क्या मस्त है यार। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए भाई सुमदो, और सुमदो में भी यहाँ पे एंट्री करवानी पड़ती है। तो अभी संजीव भाई गए हैं एंट्री करवाने के लिए। तो लास्ट पीछे मैंने आप लोगों को दिखाया था तो वो खाप संगम से पहले एंट्री हुई थी और यहाँ पर भी एंट्री होगी, उसके बाद ताबो है अभी 30 किलोमीटर। तो दोस्तों हम लोग हैं अभी सुमदो में, और एक चीज दिखाता हूँ भाई आप लोगों को, ये देखो ये मैप में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये है हम लोग यहाँ पर, और भाई ये है चाइना। तो हम लोग चाइना बॉर्डर के बिल्कुल पैरल चल रहे हैं अभी, कोरिक कोरिक करके जो जगह है बिल्कुल, तो चाइना बॉर्डर पे है। तो ये देखो ये बिल्कुल ही क्लोज है हम लोग चाइना के, ये देखो ये हम लोग यहाँ पे, ये कोरिक और ये भाई सैन गोइंग करके जगह है चाइना की। तो देख लो दोस्तों हम लोग चलते चलते कहाँ आ गए, ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। तो दोस्तों अभी हम लोग है ना सुमदो में रुके हैं, ये आर्मी एरिया है, तो यहाँ पे आर्मी की है कैफेटेरिया है, तो वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे कॉफी वगैरह चाय वगैरह पियेंगे, समोसे वगैरह अभी बता रहे हैं तो वो खाएंगे। आप लोग भी आओ तो रुक सकते हो यहाँ पे। और भाई ये पीछे कैफेटेरिया है और ये मंदिर बना हुआ है, ओम नमः शिवाय। देखो ये बौद्ध धर्म का ये बना हुआ है, और ये भाई मंदिर है, और सामने कैफेटेरिया, और ये इधर आर्मी का एरिया है। तो ज़्यादा वीडियो वगैरह बनाने नहीं चाहिए वैसे, मैं बनाता भी नहीं हूँ। और भाई ऊपर माउंटेंस, गजब का व्यू है। तो दोस्तों हम लोग हैं भाई अभी सुमदो में, तो ये कैफेटेरिया है आर्मी का ही कैफेटेरिया 10 BRO का। तो क्या क्या है अभी, क्या क्या ले लिया अभी? जलेबी, समोसा, चाय, जो मर्जी लो। कमाल हो जाएगा भाई, तो जलेबी भी ले लो, समोसा भी ले लो, और भाई कॉफी भी ले लो, बेहतरीन चीज। जय हिंद, बोल शंकर भगवान की जय। तो ये मेन रोड पे है भाई, तो आप लोग भी यहाँ पे आओ तो रुक सकते हो। ये देखो ये BRO यहाँ पे बॉर्डर, BRO और BSF वगैरह कैसे मतलब की मेंटेन करते हैं। ये देखो ये सारे रोड वगैरह बंद हो रहे हैं, इन्होंने लगाया हुआ है 52 घंटे के बाद बहाल हुआ NH5 है ये, तो ऐसे बंद हो गया 52 घंटे तक बंद था। तो यहाँ पे रोड है ना कभी भी बंद हो सकते हैं, लेकिन भाई अगर ये हमारी BRO और ये आर्मी ना हो, कितना क्रिटिकल है ये, तो भाई आदमी फंसे रह जाए। सैल्यूट है भाई इन लोगों को। प्रॉपर मैप बनाया हुआ है, हम लोग नारकंडा से आए थे, नारकंडा से हम लोग कल्पा पहुंचे, कल्पा से हम लोग अभी चलते चलते आ गए हैं सुमदो, सुमदो से थोड़ी सी आगे जाएंगे तो ग्यू मम्मी से है वहाँ पे, 500 साल पुरानी मम्मी। और भाई ये थोड़ी सी ऊपर जाके मैंने आप लोगों को दिखाया चाइना है, बाकी भाई ताबो यहाँ से 1 घंटे 30 मिनट की ड्राइव है, और भाई धनकर मोनेस्ट्री, और सारा इन्होंने पूरा स्पीति का दिया हुआ है पूरा, चंद्रताल लेक अभी बंद है तो वहाँ पे जाना नहीं, कुंजुमला होते हुए चंद्रताल लेक जाते हैं। भाई ये देखो गर्मा गर्म जलेबी और भाई गर्मा गर्म समोसे, है ना, बिल्कुल गर्म। भाई ऐसी जगह पे आप लोगों को ये सब मिल जाए तो इससे बढ़िया बात ही क्या होगी। आर्मी वालों की तरफ से BRO सड़कों पे ही काम नहीं कर रही, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मजा आ गया भाई, मजा, गर्मा गर्म समोसे और गर्मा गर्म जलेबी और चाय है भाई पंकज भाई साहब, BRO वालों ने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, बल्ले बल्ले हो गया भाई, बल्ले बल्ले हो रहा है। टेस्टी जलेबी, मस्त समोसे और गर्मा गर्म चाय, इस क्लाइमेट में भाई मजा आ गया। बाकी अभी है ना सुमदो से निकलते ही राइट को मुड़ेंगे तो ग्यू मम्मी है, 500 साल पुरानी मम्मी है, तो अभी 3:30 हुए हैं, तो हमारा प्लान ये है कि उसको भी देख ही चलते हैं, क्योंकि भाई लास्ट टाइम भी आए थे तो भी हम लोग गए थे, लेकिन उस टाइम पे क्या है कि हम आते वक्त गए थे, लेकिन ये है कि अभी टाइम है तो जाते वक्त ही देख चलते हैं, आए हैं तो सारी चीजें देखते हुए और आप लोगों को दिखाते हुए चलेंगे भाई। तो दोस्तों प्लान में है ना थोड़ा सा चेंज हो गया, हमारे लाला जी की तबीयत है ना थोड़ी सी नाजुक है ना भाई साहब, 101 तो भाई साहब को थोड़ा सा बुखार हो गया, तो यहाँ पे क्या है कि भाई थोड़ा एक्सट्रीम वेदर टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, तो थोड़ा सा मैं कहा भाई इसको टैबलेट ले ली, तो ग्यू मम्मी हम लोग जाएंगे आते वक्त, अभी ताबो पहुंच के भाई को रेस्ट करवा देते हैं, क्योंकि रेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है, ज्यादा हालत खराब हो गई तो पता चले हमें यहाँ से दिल्ली निकल के भागना पड़ गया है। नहीं लाला टेंशन मत ले, तू भाई है अपना, आग लगा देंगे, आग सीट बेल्ट लगा ले भाई, आग बाद में लगाओगे पहले सीट बेल्ट लगा। दोस्तों ये सामने ये दिख रहा है गेट, यहाँ से जाते हैं हम लोग राइट में जाएंगे तो ग्यू मम्मी पहुंच जाएंगे, 500 साल पुरानी मम्मी है भाई, मोनेस्ट्री 500 साल पुरानी है, और उसके अभी भी बाल बढ़ रहे हैं और नाखून भी बढ़ रहे हैं, ये वाला रास्ता जाता है, तो आते वक्त जाएंगे। सामने से ट्रक आ रहे हैं, रास्ता भीड़ा है, तो इन लोगों ने ट्रक वालों ने जगह दी, हाँ दबा दी जगह बहुत है, थैंक यू भाइयों, थैंक यू। ट्रक वाले है ना कई बार समझदारी दिखा देते हैं बहुत ज्यादा, है ना, वैसे ये सही चलाते हैं हमेशा, मैंने इनको हाईवे पे भी नोट किया है, जो सबसे गंदी चलाते हैं ना वो रोडवेज वाले चलाते हैं।
वो तो भाई साहब ऊपर चढ़ के ऐसा हॉर्न बजाएंगे वो एकदम से आदमी साला काफी जाए। हरियाणा रोडवेज, हरियाणा रोडवेज वाले खास कर उसको उनके व्यवहार की वजह से हम रोडवेज नहीं कहते, उन्हें कहते हरियाणा एयरवेज। तो दोस्तों सुमदो के बाद है ना भाई रास्ता ऐसा हो जाता है बिल्कुल भीड़ा, और भाई ये पहाड़ बिल्कुल सर के ऊपर खड़े हो जाते हैं, खड़े हैं लेकिन वो पीछे चौड़ा रास्ता था, ये है ना कागज तक भी ऐसा ही रास्ता मिलेगा, तो आगे से गाड़ी आती है तो फिर बचाने में भी दिक्कत होती है। तो ऐसे कुछ रास्ते हैं भाई सुमदो के बाद काजा तक। दोस्तों हम लोग भाई चंडीगढ़ पहुंच गए यार रास्ता भटक के। लेकिन चंडीगढ़ में कोठिया वोटिया सब गायब हो गई। ये देखो चंडीगढ़ वर्षा साली का यार, ये चंडीगढ़ को क्या हो गया यार, ये तो अच्छा खासा शहर था। चंडीगढ़ में बर्फ कहां से पड़ गई? चंडीगढ़ में बर्फ पड़ गई दोस्तों, चंडीगढ़ में बर्फ पड़ गई भाई, क्लाइमेट चेंज इतना ज्यादा हो रखा है और कोठिया वोटिया सब गायब होगी चंडीगढ़ की। तो भाई यहाँ पे विलेज है स्पीति में चंडीगढ़, बोले वेलकम टू चंडीगढ़ में गा रहे, चंडीगढ़ पहुंच गए। दोस्तों ताबो है 5 किलोमीटर पे भाई, और ये जगह थी लारी, लारी क्रॉस किया है अभी, और ऊपर आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे ये बुद्धा का स्टैचू। तो ये रास्ता गया हुआ है, लास्ट टाइम हम लोग आए थे तो भी ये कच्चा ही रास्ता था, अभी भी ये कच्चा ही है, लेकिन मन कर रहा है ऊपर जाने का, ऊपर से ना पूरा तो व्यू आता है जबरदस्त वाला। तो अभी चलते हैं भाई ऊपर और ऊपर से आप लोगों को नज़ारे दिखाएंगे शानदार वाला। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं भाई ऊपर, तो ये ऐसे 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 पूरा ऊपर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और रोड भी इनकम्प्लीट है, लेकिन मन कर रहा है जाने का तो गाड़ी को लगा लेते हैं ऑफ द ग्रिड हो जाएगा ये स्पोर्ट्स ड्राइव मोड में। स्पोर्ट्स में ये फुल पावर प्रोड्यूस करती है, 170 हॉर्स पावर जो भी है इसकी फुल देती है। तो अभी चल रहे हैं ऊपर, अभी तक तो ये रोड बन जाना चाहिए था ना पंकज, दो साल से ये ऐसा के ऐसा ही पड़ा हुआ है, या तो विजिटर इतने ज्यादा नहीं है। तो यार ये तो विजिटर्स के लिए ये तो बनाना चाहिए था इनको, तो ऐसा कच्चा रास्ता है भाई, अगर रोड रोड हो ना तो उसपे गाड़ी इजीली चल जाती है, लेकिन इस पे स्किट मारती है गाड़ी बजरी पे। अब हम लोगों ने सही किया या पता चले हमारा डिसीजन गलत हो गया ये तो भाई ऊपर पहुंच के पता चलेगा, पहुंच पाते नहीं पहुंच पाते, क्योंकि बिल्कुल ही आप लोग देखोगे ना बिल्कुल ही सर के ऊपर खड़ा है, बिल्कुल ही 90 डिग्री पे हम लोगों को चढ़ के जाना है। पत्थर भी पड़े हुए हैं तो ये पत्थर हटाने पड़ेंगे पहले। सामने आप लोगों को वो दिख रहा है वो है ताबो विलेज, अब ये पत्थर भी साइड में करने पड़ेंगे भाई, अब निकलेगी गाड़ी। तो थोड़ी सी चीज के लिए कुछ ज्यादा ही रिस्क ले रहे हैं हम लोग, तो मेरे ख्याल से पता नहीं ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन जो भी है जाएंगे जरूर ऊपर। दोस्तों मोड़ भी है ना इतने खड़े हैं कि एक बार में ना गाड़ी मुड़ती भी नहीं है, अल्टो वाल्टो तो मुड़ जाती होगी इन्होंने मेरे ख्याल से ना अल्टो के हिसाब से बनाए होंगे है ना छोटी गाड़ी के हिसाब से, हाँ क्योंकि अल्टो ही ज्यादा चलती है भाई स्पीति में इधर, तो इन्होंने अल्टो के हिसाब से बनाया है क्योंकि ये हैरियर तो भाई मुड़ ही नहीं रही, बैक करके फिर मोड़नी पड़ती है। अब इस चीज के लिए हम लोग इतना रिस्क ले रहे हैं तो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए था दोस्तों, तो भाई थोड़ा सा रिस्क लोगे ना तभी फिर आप लोगों को ट्रिप का असली मजा भी आएगा। लेकिन सड़क पे तो दुनिया चलती है, थोड़ा ऑफ द ग्रिड हो गया, देखो क्या होता है, देखो जब आएगा मजा, ये देखो बिल्कुल ही भाई खड़े बोल शंकर भगवान की हो गया पार। तो भाई गाड़ी की पावर में तो देखो कोई कमी है नहीं हैरियर में, स्पोर्ट्स मोड पे मैंने लगा रखी है इसको, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको, बस ये है कि भाई रोड है ही नहीं तो मतलब कि इन नुकीले पत्थर वगैरह कोई टायर में ना लग जाए, बस वो बात है थोड़ा सा इसलिए रिस्क है, अदरवाइज तो ये चढ़ने को तो इसको चाहे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा लो। बस इसमें टाटा जो गलती कर रहा है वो ये कर रहा है कि 4x4 नहीं दे रहा, अगर 4x4 दे देना तो इससे बढ़िया तो गाड़ी नहीं है, सच बता रहा हूँ भाई मैं 3 साल हो गए मेरे को, मेरा बेचने का मन करता नहीं है। दोस्तों फाइनली भाई ऊपर चढ़ी गए, लेकिन भाई बीच बीच में क्योंकि बजरी है ना तो ये कंकर है ऐसे तो ऐसे ना स्किट मारते 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 कई जगह से मोड़ों पे ना बड़ी प्रॉब्लम मतलब कि दिक्कत वाला काम है,
लेकिन आ सकते हो। अगर सुनो नहीं थी तो इसलिए हो रही थी, अगर सुनो होती तो फिर तो और भाई फोन ही चाहिए या तो फिर सुनो चाहिए। बाकी पीछे के नज़ारे आप लोग देखो, सामने बुद्ध भगवान की मूर्ति अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो अपनी हैरियर, और भाई ये देखो क्या नज़ारा है, शानदार। और हवा भाई इतनी तेज चल रही है ना, इतनी तेज हवा चल रही है ना भाई, ये देखो बिल्कुल शाय 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 हो रही है। अरे भाई साहब हल्का आदमी हो ना तो उड़ के नीचे भी जा सकता है। और भाई सामने मैं आप लोगों को बता रहा था वो ताबो विलेज, वहीं जाके वहीं स्टे अपना, टाइम 4:47 तो मैं आराम से चले जाएंगे। और ये भाई GNV स्कूल है, बच्चे इस टाइम भी दोस्तों इतनी ठंडी हवा है ना भाई, इतनी ठंडी हवा है ना कि 5 मिनट भी मुझसे खड़ा नहीं रहा गया बाहर। हाथ है ना, हाथ पैर बिल्कुल सुन हो गए भाई, बिल्कुल सुन, और कान में भी सुन पड़ गए। तो यहाँ तो अगर 10-15 मिनट किसी को अगर बिना जैकेट के खड़ा कर देना तो भाई साहब बिल्कुल फ्रीज हो जाए। अप्रैल के महीने में, अब 1 अप्रैल में इतना ये हाल है यहाँ पे टेम्परेचर का। तो रात को तो खैर माइनस में 15-20 डिग्री जाता है, जाएगा अभी भी, लेकिन अभी भी इतनी तेज और इतनी ठंडी हवा है। तो भाई हम तो गाड़ी के अंदर आके बैठ गए, मैं अभी भाई लोग फोटो खिंचवा रहे हैं बाहर, उनका फोटो सेशन चल रहा है। कैसा लगा भाई कभी? मजा आ गया, लेकिन अब और ज्यादा ऐसी जबरदस्त बर्फीली हवा चल रही है, और इसको एक्सपीरियंस आप सिर्फ आके ही कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं। मुझे पता है आप भी मजबूरी में ही गाड़ी। बाकी भाई सामने के नजारे एक बार आप लोग तो और देख लो दोस्तों, क्या बेहतरीन नजारे। तो भाई अभी निकल पड़े वापसी, अभी मैक्सिमम 5 मिनट से ज्यादा तो यहाँ पे कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता भाई, सही बता रहा हूँ। तो अभी सामने जो आप लोगों को दिखा ताबो विलेज, वहीं पे जाएंगे हम लोग। मतलब जितना चढ़ना मुश्किल था उतना उतरना आसान है। बस मैंने आप लोगों को बताया कि ये है ना पक्की रोड नहीं है, तो यहाँ पे नुकीले पत्थर हैं, तो वो अगर टायर वायर में लग जाए बस तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, अदरवाइज तो उतरने में तो क्या ही लगेगा, उतरने में तो अपने आप ही उतर जाएगी, कुछ करना ही नहीं है। तो दोस्तों फाइनली भाई नीचे आ गए। तो इस जगह का नाम है लारी, मैं आप लोगों को फिर एक बार बता दूँ, लारी में है ये ऊपर बुद्धा स्टैचू, आप लोग भी जरूर जाना, और जो यहाँ से ऊपर तक की ड्राइव है ना उसका आनंद लेना, पूरा मजा आ जाएगा। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए ताबो, वेलकम टू ताबो। तो भाई यहीं पे स्टे है अपना आज ताबो में ही, अभी होम स्टे आप लोगों को दिखा दूंगा मैं कैसा है। और भाई सूर्यास्त होने वाला है सामने वाले पहाड़ के पीछे, टाइम अभी 5:10 हुए हैं, तो थोड़ी देर में ही अंधेरा होना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी पीछे वाला गाड़ी वाला भाई हॉर्न दे रहा है, तो भाई चले जाओ, हमें तो भाई आराम से जाना है, हमें तो कोई जल्दी नहीं है। एनी भाई बिल्कुल सही, जिनको जल्दी थी वो चले गए। तो दोस्तों ये है भाई ताबो विलेज, तो यहाँ पे ताबो मोनेस्ट्री है, और भाई कुछ केव्स हैं उसके का तो आप लोगों को सुबह दिखाएंगे। अभी एक बार अपना होम स्टे देख लेते हैं हम लोग, बिल्कुल शान सा पड़ा हुआ है। सर्दियों में तो बहुत सारे होटल होम स्टे वगैरह तो बंद ही होते हैं, कुछ ही चालू होते हैं, इसलिए ना पहले ही बातचीत करके आना है ना अच्छा होता है, क्योंकि कई बार है ना बहुत सारी गाड़ी आ जाती है, मतलब पूरे के पूरे काफी ले आ जाते हैं, तो फिर ना यहाँ पे हाउसफुल हो जाता है, क्योंकि सारे होटल्स वगैरह है ना रन नहीं करते इस टाइम पे। दोस्तों होटल ले लिया हमने, होटल स्नो लेपर्ड, ये सामने भाई गाड़ी खड़ी होगी, नीचे भी पार्किंग कर सकते हैं। रूम एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं, हट जा भाई। तो ये रूम है डबल बेड का, इसमें थर्मल वाले ब्लैंकेट है जो इलेक्ट्रिसिटी से गर्म होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर रात को माइनस में चला जाता है। वॉशरूम अभी बंद किया हुआ है क्योंकि फ्रोजन हो जाता है, तो सब में ही यही है यहाँ पे। आप लोगों को एक बार रेस्टोरेंट टूर वगैरह और करवा देता हूँ। तो ये इनका रेस्टोरेंट एरिया है, यहाँ पे बुफे वगैरह लगेगा, और भाई अंदर से ही है ना, एक इनका कॉमन सीटिंग एरिया है जहाँ पे जो गर्म रहता है, जहाँ पे हीटर चलता रहेगा। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ इसको क्या बोलते हैं, सर ये हीटर चलता रहता है इसको, ये जो अंदर हीटर लगा हुआ है, बुखारी, बुखारी। तो एक भाई ये रूम है, इसमें बुखारी लगी हुई है, यहाँ पे आराम से बैठो चाय वाय पियो, ये बिल्कुल गर्म हो जाता है कमरा, इसमें आग जलती रहती है, तो ऐसा कुछ है। आप लोग भी आओ सुनो लेपर्ड ना, सुनो लेपर्ड भाई। और भाइयों ने हमें दिया है 1000 रुपये पर पर्सन विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर, अभी सीजन थोड़ा कम है तो इसलिए, नहीं तो थोड़ा महंगा भी हो जाता है सीजन के टाइम पे।
तो दोस्तों टाइम हो गया भाई 7:30 और हम माइनस में है, -7 degree टेम्परेचर है अभी फिलहाल। और भाई बुखारी इन्होंने चालू कर दिया, ये इसी पे गर्म पानी रख देते हैं। मतलब अब यहाँ पे बैठेंगे आराम से, यहीं पे खाना वाना यहीं पे खाएंगे और फिर उसके बाद आराम से सोने चले जाएंगे। तो अभी -7 है, रात को -12-13 तक जाएगा टेम्परेचर। मज़ेदार है लाला, मज़ा आ रहा है।